तो हेडसन एग्रो प्रोडक्ट की फाइनेंशियल ईयर 2023 के थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ करके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1695.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1750.79 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1580.73 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1632.46 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1692.98 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1513.38 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.72%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.3% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.26%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46.44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 42.48 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 47.84 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अभी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.12 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.94 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.47 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में है। इन चार ग्रोथ को छोड़ करके बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे देखा जाए तो ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की तीन ग्रोथ नेगेटिव में है एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की एक ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नेगेटिव ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर आ रही है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।